Hey, hi. If I say the word overthinking, the very first thing came in our mind is stress and pressure. And these two friends are very irritating and disgusting because they both haunt me day and night. I feel like I want to hide myself somewhere where nobody can hear me. So guys, are you all also thinking same like as I? Then bro, we both share same feeling. And today I'm gonna tell you the one solution to overcome from your stress and pressure in overthinking. So let's begin. We need to understand the meaning of overthinking as per the Google answers. Think about something for too much or for too long. Now here the first question arises: for what you are overthinking? आप किस चीज़ को लेकर के इतना ज़्यादा सोच रहे हो? बात अगर आपके किसी लोन को लेकर है या फिर आपका कोई फैमिली इशू है या फिर कोई और चीज़ है, then I can't solve it because it's your personal stuff, right? But वहीं पर बात अगर है कि आप बिन वजह किसी चीज़ को लेकर के स्ट्रेसफुल हो जाते हो, आप बिन वजह ओवरथिंक करने लगते हो या फिर आपके करियर को लेकर के आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, then I have an idea for you. Because at the age of 20, somewhere we all get a lot of pressure from the society. Like everybody was doing so well in their life, everybody was earning so well in their life. I also want to do something. And here it comes, lot of pressure. And this pressure becomes overthinking. So I am 20 years old. और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो यार मेरी एज के आसपास के हैं, जैसे कि 20 हो, 21 के हो या फिर 23 के भी हो, तो भी आप ये वीडियो देख सकते हो. वहीं उससे ज़्यादा के हो, then it's your choice. आप देखना चाहो तो देख सकते हो, because I don't know यार आपके लाइफ में किस तरीके के चीज़ें होती हैं, बिकॉज मैं इस एज तक नहीं पहुँचा हूँ. लाइक हमारी एज होती है 20 से 23-24 तक की, तो उन सब की लाइफ में एक ही तरीके के सेम प्रॉब्लम्स ही होती है लगभग. तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है, बाकी की आपकी चॉइस है, इट्स योर चॉइस. आप देखना चाहो तो देख सकते हो. सबसे पहली बात, आप ना कभी भी बिना बात के ओवरथिंक नहीं करते हो, ये चीज़ समझ लो. या तो आपको वो बात पता है लेकिन आप कंटिन्यूसली उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हो जस्ट बिकॉज आपको वो काम करने में ना जोर आ रहा है. और यहीं पर वो काम का वर्ड आता है, प्रोकास्टिनेशन. आजकल बहुत ज़्यादा भाई वो चल रहा है. हिंदी में इसका मतलब है किसी चीज़ को बार बार टालना या फिर किसी चीज़ को बार बार इग्नोर करना. आई होप सो मैंने वो वर्ड सही से प्रोनाउंस करा है, बिकॉज मुझे प्रोनाउंसिएशन में लगता है कभी कभी गलत बोलता हूँ मैं. ये थोड़ा हार्ड वर्ड है. सो चलता है, चलो ठीक है, हिंदी में समझ लो यार किस चीज़ को बार बार टालना. सो गाइस, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ. लाइक आई हैव डिसाइडेड I have to study for 5 hours a day. Starting में मुझे जोश था, इसलिए मैंने उस चीज़ को 5 से 6 दिन रेगुलर बेसिस पे रखा और कंप्लीट करा टाइम रहते. लेकिन धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट भी थोड़ा कम होने लगा, तो मैंने उस चीज़ को करना बंद कर दिया. लेकिन मैं सोच रहा हूँ उस बारे में कि मेरे को करना है ये चीज़, तो मुझे अंदर से गिल्टी भी होना शुरू हुआ और वही गिल्टी मेरे दिमाग में प्रेशर और स्ट्रेस बनाने लगा. और वो स्ट्रेस और प्रेशर कब पता भी नहीं चला, मेरे दिमाग में ओवरथिंकिंग बन गई. उस चीज़ के बारे में सोचता रहा बार बार और मैं करता नहीं था, तो मेरे दिमाग में ओवरथिंकिंग होती है इस चीज़ को लेकर के. तो देखो यार, बेटर है कि आप ना अपने हिसाब से अपना गोल बनाओ, छोटा बनाओ, लेकिन अपने साथ ऑनेस्ट होकर बनाओ. किसी दूसरे को देखकर के मत बनाओ, नहीं तो दोस्त आप लोग ना गलत रास्ता देख रहे हो. और अक्सर हम सब गलत रास्ते पर ही होते हैं. सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम किसी दूसरे या सामने बैठे तीसरे बंदे को देख करके अपना डिसाइड करते हैं गोल, कि यार वो इतने घंटे पढ़ता है तो मुझे भी इतने घंटा पढ़ना चाहिए. लाइक वो इतनी जल्दी सक्सेस पा सकता है तो मैं क्यों नहीं पा सकता. देखो, सबके डेस्टिनी अलग है, सबका रूटीन भी अलग होता है, सबका वे भी अलग होता है, तो सबके अपने अपना तरीका होता है, राइट? तो आप अपने तरीके से चलो, वो आपके लिए बेटर होगा. क्या पता वो सामने बैठा बंदा वो भी किसी चीज़ के प्रेशर में हो या स्ट्रेस में हो, फिर भी वो जबरदस्ती कर रहा है. वो अपनी ज़िंदगी से क्या कर रहा है, या छोड़ो, वो अपनी ज़िंदगी जी रहा है, आपको अपनी देखनी है. देखो यार, क्या होगा कि आप किसी चीज़ को टाइम रहते कंप्लीट कर लोगे ना, तो आपको ना अंदर से सेटिस्फेक्शन होगा और वो सेटिस्फेक्शन आपको बहुत ज़्यादा खुशी देगा. और उस खुशी के चलते आपको बिल्कुल भी ओवरथिंकिंग नहीं होगी. ट्रस्ट मी, बिलीव मी. वही बात अगर आए करियर की, तो देखो यार, करियर की टेंशन हमें जब होती है जब हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे होते लाइफ में, खाली बैठ कर के वीडियोस देख रहे हैं, मीम्स देख रहे हैं और हंस रहे हैं बैठे बैठे, लेटे लेटे जो भी कर रहे हैं, तो हमको उस चीज़ को लेकर के ओवरथिंकिंग होती है. हम सोचते हैं कि यार अपनी लाइफ में क्या करें, यार बहुत ज़्यादा टेंशन है. ऐसा कुछ यार, आप कुछ कर ही नहीं रहे हो तो आपको ऑब्वियसली बात है थोड़ी बहुत तो टेंशन होगी ना लाइफ को लेकर के.
तो वहीं पर ओवरथिंकिंग होती है। अगर आप कुछ लाइफ में कर रहे हो, कुछ नई स्किल सीख रहे हो या फिर कुछ नया ट्राई कर रहे हो या फिर किसी चीज़ में लगे हुए हो, तो आपको बिल्कुल भी करियर की टेंशन नहीं होगी। सेम एंड वी हैव सेम ओपिनियंस और आपकी प्रॉब्लम भी वही थी जो मेरी प्रॉब्लम थी, देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई लव टू रीड योर कॉमेंट्स, लव योर ओपिनियंस एंड ऑल। प्लीज़ कमेंट कीजिए, प्लीज़ मुझे बताइए। और वहीं पर गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, देन प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, सो आगे आने वाली नोटिफिकेशन जो भी हो वो आपको आगे मिलती रहे और जल्दी से मिल जाए जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो। और वहीं पर गाइज, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कॉमेंट भी कर दीजिएगा, इट वुड बी सो हेल्पफुल फॉर माई वीडियोज़ एंड फॉर माई चैनल टू। और वहीं पर गाइज, थैंक यू सो मच, आप लोग वीडियो को एंड तक देख रहे हो, यहाँ तक बने हुए हो, थैंक यू सो मच। वहीं पर गाइज, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय, अपना ख्याल रखिएगा।